एपी09 की स्पेशल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिनसे मिलने आई हूँ वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट। समझ आ रहा है? नहीं ना, चलिए उनके बारे में बताती हूँ। वो को फाउंडर हैं गोल्डन ईगल के, और उन्हीं से आज मैं बातचीत करूंगी और उन्हीं के लाइफ के इनसाइट्स, उनके ऑफिस की इनसाइट्स सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगी। यानी कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ इस टॉर पे आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं चंदन कुमार मलिक से, जो कि हैं गोल्डन ईगल के को फाउंडर। चलिए मिलते हैं चंदन कुमार मलिक से। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम परफेक्ट, अप एंड रनिंग। हाउ अबाउट यू? आई एम आल्सो एब्सोल्युटली गुड। अगर चंदन कुमार मलिक अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? चंदन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैप्पी गो लकी पर्सन हु हैज क्लियर विजंस ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड माइलस्टोन्स ऑफ हिज लाइफ। इन अदर वर्ड्स आई वुड लाइक टू से आई एम अ ट्रू बिजनेसमैन हु टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क्स इन लाइफ। ओके, तो आपकी ये जो कंपनी है, हम इस बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। आपके नाम का मतलब मुझे समझ आ गया, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी आ गया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि गोल्डन ईगल एक्चुअली में क्या है, गोल्डन ईगल करता क्या है और है क्या गोल्डन ईगल? इन द करेंट एरा, डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैड बीन अ की टू सक्सेस। ऑल्सो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज लेड स्पेसिफिक इंक्लिनेशन टुवर्ड गोइंग डिजिटल। गोल्डन ईगल हैज बीन ट्रांसफॉर्मिंग companies through digital solutions such as mobile applications, web apps, enterprise software development, custom software development, and last but not the least, assisting and helping SMEs and startups with highly skilled and quality developers to bring their ideas to the market. ये तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो गई सर, मुझे थोड़ा सा इजी, अपने जो मेरी ऑडियंस है ना बड़ी ही इजी गोइंग है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा इजी वे में समझा दें। हम डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप एक बुकिंग ऐप यूज़ करते हैं, चाहे जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, या फिर होटल बुकिंग के लिए आप ओयो यूज़ करते हैं या booking.com यूज़ करते हैं, तो वो ऐप्स डेवलप हम करते हैं। ओके, तो मतलब अगर ऐप डेवलप हो रहा है ना तो वो गोल्डन ईगल की इस कंपनी के अंदर इन मेंबर्स के बीच में हो रहा है। जर्नी को जाना जाए तो मैं सर से ही बात करूंगी और पूछूंगी कि क्या उनकी जर्नी रही है। सर, गोल्डन ईगल जब शुरू हुआ होगा तो एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म रहा होगा, आज भले इतना बड़ा नाम है, बट शुरुआत कैसे हुई, स्ट्रगल्स क्या रहे और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसी रही? बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग से करी। इनिशियली वी वर अ कंपनी ऑफ टू डेवलपर्स, दो डेवलपर से स्टार्ट करा हमने। देन वी गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम यूके, ही केम टू विजिट इंडिया एंड हिज experience was very good. Okay. The feedback was tremendous. तो उस feedback के बाद फिर हमने उस पर work करना शुरू करा and within few years we were more than 50 plus employees. So far the journey has been a roller coaster ride. क्योंकि जैसे जिंदगी में होता है उतार चढ़ाव, बिल्कुल वैसा ही चला है। ठीक है, इस दौरान हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कोविड। ठीक है, पर कोविड में भी हम टिके रहे। कोविड में भी गोल्डन ईगल ने एक भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करा। वी रिटेन्ड 100% ऑफ आवर स्ट्रेंथ। ग्रेट, क्योंकि कोविड हमारे लिए एक चैलेंज भी था और एक तरीका था खुद को इम्प्रूव करने का, मार्केट को समझने का और खुद को दोबारा खड़े करने का। कोविड के बाद हमने सीखा कि ठीक है, प्रोजेक्ट बेस पे हम काम करते हैं, अभी सभी को रिमोट वर्कर्स चाहिए, तो हम स्टाफ ऑग्यूमेंटेशन में गए और स्टाफ ऑग्यूमेंटेशन में जाने के कारण अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी कंपनी में आप पैर रखें या कहीं भी जाएं तो आपको ग्रो करना इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये होने वाला था कि कैसी रही आपकी राइड, रोलर कोस्टर, स्लोप या स्लिप,
पर आपने उसका आंसर दे ही दिया है कि रोलर कोस्टर आपकी पूरी जर्नी रही है। सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि ये जो जर्नी रही है इसमें कभी ऐसा लगा कि बस रहने देना चाहिए, जैसे कोविड का फेस आपने बताया, भले उस टाइम हम डिजिटलाइज्ड हो रहे थे बट उसमें भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो शटडाउन हो गई, तो उस टाइम कैसे सब मैनेज हुआ, एम्प्लॉयज से लेकर आपका पर्सनल फेस, वो सब कैसे मैनेज हुआ? देखिए मेरा ये मानना है कि लाइफ में कभी प्लान भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप अगर किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, ठीक है, तो कभी एग्जिट स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं होनी चाहिए कि ठीक है ये वर्क नहीं करेगा तो हम कहीं और जाएंगे। जब हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं ऑब्वियसली वी विल बी सक्सेसफुल, ये मेरा मानना है। मेरे जो पार्टनर हैं उनमें मेरे से ज़्यादा एनर्जी है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि यू आर डाउन, आपको लगता है कि आप खुद पर डाउट करते हो, पर जो को फाउंडर है हमारे योगेश जी, उनके साथ आने पर ऐसा होता है ही क्रिटिसाइजेस बट ही पुशेस यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वो आपको बहुत ही प्रोडक्टिव बना देते हैं क्योंकि उनके जो क्रिटिसिज्म होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, उनको वो आपको बताते हैं कि ठीक है ये वर्क नहीं कर रहा है ना तो ये करो, और इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो हम इस तरीके से करते हैं। तो ये जो हमारी टीम की खासियत है, इसके कारण अभी तक हम लोग सब कुछ अच्छे कर रहे हैं। आपको बताइए, यहाँ एक बात बहुत अच्छी सर ने ये बोली है कि क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। कबीर का एक दोहा भी है जिसमें कबीर ये कहते हैं कि निंदक नियर रखिए, कोई भी जो भी निंदक है उसको अपने पास रखिए, क्योंकि निंदक ही आपका सबसे बड़ा प्रेषक होता है। तो सर ने आज एक और बार मुझे वही लाइन वापस याद दिलाई है। चलिए सर हम बैठते हैं और बात करते हैं। सर जब मैं यहाँ बैठ रही थी ना, मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है, ये चॉकलेट बॉक्स, टॉफ़ी बॉक्स, सॉरी, ऐसा किसी ऑफिस में बहुत कम देखा जाता है, कॉर्पोरेट फॉर्म्स में तो रियली कम देखा जाता है, ये क्यों रखा हुआ है यहाँ? ये एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए कि कभी भी अगर उनका मूड डाउन हो या कभी भी वो कुछ अच्छा करते हैं तो ये छोटा सा है कि ठीक है आप मुंह मीठा कर सकते हैं। तो ट्रीट मिलती है यहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, आप ट्रीट से याद आया कि कोई अच्छा काम करता है तो देते हैं। आपका टीम इतना बड़ा है, मैं जब से ऑफिस में देख रही हूँ इतने सारे लोग आपकी टीम में हैं, कौन कौन क्या क्या करता है यहाँ पे, कौन से सेगमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है इस पूरे ऑफिस का? देखिए हमारी कंपनी जो है, ठीक है, वो प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है। अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं उसके अलग अलग टीम हेड्स हैं, एंड एवरी टीम हेड इज ऑटोनोमस, दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑटोनोमसली। इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है, उसको पता होता है कि उसकी टीम के लिए, उसके क्लाइंट के लिए क्या बेटर है। जब वो ऐसे डिसीजन लेता है तो उसकी टीम भी खुश रहती है एंड क्लाइंट भी खुश रहता है, कंपनी भी ग्रो करती है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास ऑटोनोमस पावर्स हैं तो आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट के गोल्डन ईगल को आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखते हैं और क्या विजन रखता है गोल्डन ईगल? बिल्कुल, देखिए हम गोल्डन ईगल को 5 ईयर्स में ऐसे देखते हैं कि वी वॉन्ट टू बी द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी बिजनेस और एनी कंपनी हु वॉन्ट टू गेट इन टू डिजिटल, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हम $50 million तक अपना रेवेन्यू जनरेट करें, एक नई फैसिलिटी में जाएँ, ये हमारा टारगेट। तो चंदन कुमार मलिक का क्या विजन है? ये तो गोल्डन ईगल का विजन हो गया। चंदन कुमार मलिक का ये विजन है कि वो चाहता है कि उसने जो उसका जो ड्रीम था तो स्टार्ट IT कंपनी, उसको वो फ्रूटेशन तक पहुंचा, उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको लेके जाए। टिल नाउ वी हैवंट यूटिलाइज आवर फुल पोटेंशियल, बट हमारा जो टारगेट है कि हमें वहाँ तक पहुँचे। सर ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले आपने कहीं और भी वर्क किया है? यस, आई वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, I worked in Bangalore, then I worked in Indore in a company called Seven Infrastructure. तो वहाँ पर काम करने के दौरान ही ये आइडिया आया कि ओके लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑन ऑफ आर ओन, ओके, एंड ऑब्वियसली जो भी मार्केट में प्रॉब्लम थी उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, देन वी स्टार्टेड गोल्डन ईगल। हाँ, तो मतलब प्रॉब्लम आपको रास्तों में मिलती गई और आप उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने गोल्डन ईगल बना दिया, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आया तो खत्म हो गया, अब मेरा एक फन सेगमेंट है जो हम आपके साथ खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर फन सेगमेंट, ये हमारी जो ऑडियंस उनको बहुत पसंद है और ये इसमें क्विक आंसर्स देने होते हैं, रैपिड फायर टाइप का। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज वन लाई एंड टू ट्रुथ्स ऑफ गोल्डन ईगल। वन लाई आई वुड से कि हम अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं। ओके, दिस इज अ गेसिंग गेम, सो आई वुड बी गेसिंग व्हाट इज अ लाई एंड व्हाट इज the two truths. Yes, okay, sir. So you have to only tell the things and yes. I'll guess what is lie and what is truth. Sure. Okay. So pehla ye hai ki golden eagle apne employees ka khayal nahi rakhta, theek hai, aur truth ye hai ki hum apne HR team ya phir jo hum recruitment karte hain ya jo hum employee retain karte hain uske liye hum bahut invest karte hain,
टाइम मनी एफर्ट एवरीथिंग। ओके, तो लाइव मैं बता देती हूँ कि गोल्डन ईगल के एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखा जाता, इससे आप पता कर सकते। सर सेकंड क्वेश्चन इज वन थिंग चंदन वुड चेंज इन दिस कंपनी। देखिए बदलाव की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और बदलाव प्रकृति का नियम भी है। तो चेंज ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वी वॉन्ट टू मूव टू अ बिगर फैसिलिटी, वी वॉन्ट टू हायर मोर एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये हमारे गोल्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। और बदलाव यह है कि मैं चाहता हूँ कि गोल्डन ईगल शुड कम एज वन ऑफ द टॉप कंपनीज नॉट इन इंडिया, ग्लोबल। सर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस थिंग यू हैव डन इन दिस कंपनी, आइदर बी इन ऐप मेकिंग और समथिंग यूजलेस। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, आपने कभी संधि विच्छेद पढ़ा है? हाँ। ठीक है, संधि विच्छेद में क्या होता है? वो वर्ड्स को काट देते हैं बीच में। ठीक है, बीच में काटते हैं दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है। तो यूजलेस को मैं भी ऐसे ही डिफाइन करता हूँ। देखिए एक होता है यूज, एक होता है लेस। ओके, ठीक है। तो जो मैं अगर इन दोनों शब्दों को अलग अलग बताऊँ आपको, तो कम उपयोग करेंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी तक हमने अपनी एबिलिटीज का फुल उपयोग नहीं करा। ओके, ठीक है। वी हैव बीन स्लो एंड स्टडी, बट अब हमारा टारगेट ये है, वी हैव टू एक्ट अ लिटिल बिट मोर फास्ट, वी हैव टू गेन अ लिटिल बिट मोर पेस, क्योंकि सब चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है आफ्टर कोविड, ठीक है। तो हम ये करना चाहते हैं कि हम आगे जाते हुए अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करें, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ की हो, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे हर एक टीम की हो, और आगे बढ़े। आज मैंने एक नया चीज़ सीखा है, मेरे लिए यूजलेस का मीनिंग खराब ही होता था, आज यूजलेस का मीनिंग कम उपयोग में आने वाली चीज़ हो गया है। ओके, एनी क्रेजीएस्ट डिमांड ऑफ द क्लाइंट? इतने सारे क्लाइंट्स हैं, आपने बोला यहाँ ऑटोनॉमस डील होता है, कोई ऐसी क्लाइंट की डील आई हो तो आपका एम्प्लॉय आके बोल रहा हो सर क्लाइंट ने इतनी क्रेजी डिमांड की है, ऐसा कोई ड्रीम, ऐसा कोई रहा है? मैं आपको दो कहानियाँ बताना चाहूँगा। आईटी में होता क्या है कि क्लाइंट्स को बहुत बार रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती, और हमारे यहाँ कहा जाता है रिक्वायरमेंट इधर की। तो हमारे पास एक क्लाइंट था, उसने लिंक्डइन एक वेबसाइट है, जॉब पोर्टल है, काफ़ी पॉपुलर है, उसको देखा, बोला मुझे लिंक्डइन बनानी है। ठीक है, फाइन, लीडिंग जॉब पोर्टल है, आपको बनानी है। हमने उस पर डेढ़ मंथ अराउंड 1.5 आई वुड से 6 वीक्स रिसर्च करा, R&D करी, डॉक्यूमेंट बनाए, क्लाइंट को शेयर करो, क्लाइंट खरीद, वापस जवाब आता है क्या ये 12,000 रुपये में बन सकता है? ठीक है, पहले तो हम हंसे, फिर हमें लगा ही माइट बी जोकिंग, ही माइट बी किडिंग, बिकॉज वी हैव स्पेंड मोर देन आई वुड से $1,000, 60,000, 6 वीक्स हम उस पर R&D कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज टेकिंग टाइम एंड मनी। ठीक है, फिर बोला नहीं नहीं मुझे तो 12,000 नहीं बनवाना है। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा एक क्लाइंट आया था जिसको एक ई कॉमर्स साइट बनवानी थी। okay. हमने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, डू यू हैव एनी रेफरेंस, जैसा आपको बनाना है। उसने एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट। तो हमने कहा आपको फ्लिपकार्ट में क्या चाहिए? तो बोला नहीं मुझे फ्लिपकार्ट ही बनाना है। ठीक है, तो हमने उसको समझाया कि सर इट टुक 10 to 12 ईयर्स टू गेट फ्लिपकार्ट फुल्ली डेवलप्ड एंड वेयर इट इज़ नाउ। तो उससे कहा नहीं मुझे फ्लिपकार्ट बनाना, आप एस्टिमेशन दो। ठीक है, हमने एस्टिमेशन दिया, फीचर्स डाल के दिए, बोला इतने फीचर्स नहीं चाहिए। फिर उन्होंने पूछा आपको सर क्या चाहिए? बोला मेरा एक छोटा सा शॉप है, ठीक है, उसमें 30-35 आइटम मुझे वो सेल करना। मतलब लोग डिमांड्स यहाँ करते हैं पर उनका बजट यहाँ होता है, रिक्वायरमेंट यहाँ होता है। ओके, दैट वाज क्रेजीएस्ट कि 12,000 में इंसान लिंक्डइन जैसे ऐप को बनाना चाहता है, दैट इज क्रेजी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते, गोल्डन ईगल के को फाउंडर नहीं होते, तो आप क्या होते? शायद मैं आपकी जगह होता। ओके, क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में। नौकरी खतरे की बात नहीं है, आई लव एक्सप्लोरिंग पीपल, आई लव एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। ठीक है, मुझे जर्नलिज्म की ओर मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था, मेरे घर में भी कुछ लोग हैं हु आर इनटू जर्नलिज्म। ठीक है, तो मेरा शुरुआत से रुझान ऐसा था, पर क्या था कि इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, तो अब स्किल सेट तो इंजीनियर वाले डेवलप हो गए, तो उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, देन गोल्डन ईगल हैपेंड एंड आई स्टिक टू इट। चलिए, आप गोल्डन ईगल का आपने कर लिया, आपने जर्नलिज्म की तरफ आपका झुकाव रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए, यू कैन डू इट। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, कोई इशू नहीं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, इंदौर क्यों चूज किया? बैंगलोर है, पुणे है, मुंबई है, सब आईटी के लिए बहुत ख्याति रखते हैं, बहुत ज़्यादा नाम है, बैंगलोर का स्पेशली बहुत नाम है, हैदराबाद, बैंगलोर, वहाँ क्यों नहीं गए, इंदौर ही क्यों चुना?
आई स्टार्टेड माई कैरियर इन बैंगलोर इटसेल्फ, आई वॉज वर्किंग देयर फॉर ऑलमोस्ट टू ईयर्स. ठीक है, मेरी पढ़ाई इंदौर के पास खरगोन से हुई. जब मैं वापस इंदौर आया और जब ये आइडिया आया गोल्डन ईगल का, तो क्या होता है, आप जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं. पहला होता है स्टार्टअप कॉस्ट. ठीक है, आपको रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है, ये दो मेन होते हैं. इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी इन पुणे और बैंगलोर, द कॉस्ट विल बी टू हाई. ठीक है, वहाँ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है. दूसरा, डेवलपर की जो सैलरीज है, ठीक है, कंपेयर टू इंदौर, वहाँ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी. और उस वक्त ये था कि इंदौर वॉज ग्रोइंग एज एन IT हब. ठीक है, तो हमें लगा ये राइट टाइम है. यहाँ पर इतने सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं जो कि बाहर जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू पुणे, दे आर गोइंग टू बैंगलोर, दे आर गोइंग टू बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया. हम उनको यहीं रोकते हैं ना. जो बार बार ब्रेन ड्रेन की बात होती है, देश के बाहर छोड़िए, हम तो चाहते हैं कि अपने शहर के बच्चे अपने शहर में काम करें और अपने लिए काम करें. चलिए, तो इंदौर आपने क्यों चूज़ किया ये भी आपने मुझे बता दिया. थैंक यू सर आपसे बात करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है. और मैं लोगों से ये ज़रूर बोलूँगी, अगर आपको कोई ऐप डेवलप कराना है या फिर आप चाहते हैं, पर 12,000 कीमत नहीं होगी, है ना, तो अगर आपको कोई ऐप डेवलप कराना है तो प्लीज़ गोल्डन ईगल को आप जाके फॉलो कर सकते हैं, है ना. तो ये थे चंदन कुमार मलिक जो कि को फाउंडर हैं गोल्डन ईगल के, जिनसे मैंने बातचीत की MP09 की स्पेशल स्टोरी में. MP09 की स्पेशल स्टोरी उनके लिए जो बनाते हैं इंदौर को खास, और इंदौर है उन्हीं की वजह से. मैं आपको यहाँ छोड़ के ज़रूर जा रही हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी, प्लीज़ इंदौर टॉक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो भी करिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपकी कहानियाँ जो होती हैं आपके बीच से ही. और अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है तो प्लीज़ इंदौर टॉक को टैग करिए, YouTube के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, या फिर हमें पर्सनली मैसेज बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिए. दिस इज प्रिंसी जैन साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर.